से हम नंदा नगर घाट बैठे छे ना, तो आज हम भी एक माता के दर्शन। हां अच्छा, तो भटियाना फुलवाणी तीन गांव के लिए देवी है और इसका भव्य कार्यक्रम जो है 6 महीने तक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो चुकी है एक प्यारी सी शुरुआत गुड मॉर्निंग के साथ। या आप पूरा बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और अभी का जो टाइम है वो 7 या 8, और हम लोग अभी भी सोए हुए हैं, गल्लू और मैं, जो कि बंगाली से और मैं लुवाणी से। तो हम दोनों काफ़ी दूर से ट्रैवल करके यहाँ कोठली गाँव तक पहुँचे हुए हैं, और कल रात को हम अपने रिश्तेदार के घर पर नाइट स्टे हुए थे। और चलो अब बाहर चलते हैं और आपको कोठली गाँव के चारों ओर का नज़ारा दिखाते हैं, और पूरा बनी रही है अंत तक कि ब्लॉग में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो लेट्स वॉच। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं भटियाणा गांव में। कल रात को हम कोठली गांव में रुके थे और सुबह होते ही हम भटियाणा गांव में पहुंच चुके हैं, जहां की नौना देवी का कौथिक चल रहा है। और सोचा क्यों ना आप सभी प्यारे जो व्यूअर्स हैं ना, उन्हें कौथिक दिखाने का अवसर हमें मिला है। तो चलो चलते हैं भटियाणा गाँव की ओर, जहाँ पर कौथिक के दर्शन आपको भी करवाएंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। और ये बॉडी लोग, बॉडी जी कितने बजे से माता के दर्शन के लिए रुके हुए हैं? हाँ 8 बजे बैठी। अच्छा, आप को खा छो? अच्छा, चिरखुन से यहाँ पहुँचे हुए हैं माता के दर्शन करने, और दिन में कौथिक भी देखेंगे। तो दोस्तों ये नहीं बॉडी, अच्छा बोल तक ये खेचा आप लोग। अच्छा हम तो बहुत दूर से, हम नंदा नगर घाट बैठे छे, तो आज हम भी एक माता के दर्शन। अच्छा मैं लुवाणी को छो, लुवाणी। हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं भटियाणा गांव की खूबसूरती। तो इसके बाद ड्रोन शॉट से पूरा आपको यहाँ का नजारा दिखाएंगे। फिलहाल माता के दर्शन में थोड़ा हम भी बिजी हो जाते हैं। माता नौना देवी जी का मंदिर, ये बहुत साल पुराना मंदिर। आप इसके पीछे सामने देख रहे होंगे कि ये मंदिर पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, तो ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है ऊपर, ये तो सामने नया बनाया है।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं माँ नैनी देवी के मंदिर के परिसर में। तो यहाँ पे एक भैया मिले हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ की विशेषता और क्या कुछ यहाँ पे फेमस है। तो भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम विशेषा प्रसाद भटियाणी है। अच्छा। और हम जो इस नैनी देवी के पुजारी भी हैं। और ये नैनी देवी के बारे में ये है कि 38 साल के बाद ये नैनी देवी बाहर आ रही है। और इसका जो पहला जो समारोह हुआ वो घट उद्भव का हुआ, और एक महीने बाद जो कल शाम से लेकर आज तक जो है ये ब्रह्मबंधन का है। और ये ब्रह्मबंधन में जो है नैनी अपने असली स्वरूप में आ जाती है। इसके बाद नैनी जो है पहले जो है कई गांवों का भ्रमण करेगी 4 महीने तक, और 4 महीने भ्रमण करने के बाद फिर जो है एक बार जनवरी में फिर आएगी, फिर दूसरा ब्रह्मबंधन होगा। और उसके बाद जो है इसका जो महायज्ञ संपन्न होगा, जो कंक्लूजन सेरेमनी होगी वो बन्नातुल्ली में होगी, और वहाँ पर जो है 11 मार्च को जो है इसका जो है यज्ञ जो है संपन्न हो जाएगा। उसके साथ ही जो है 6 महीने का जो कार्यक्रम है ये समापन हो जाएगा। तो भैया आज सुबह जो माँ नैनी देवी की डोली वो किस गाँव में गई और किस लिए गई? हाँ, ये है कि ये शास्त्र समझ नैनी देवी का जो मायके है वो कोट गाँव है, और यहाँ पर सबसे पहले अपने असली स्वरूप में आकर के नैनी देवी जो है अपने मायके गई, और मायके वालों ने उनको जो है पूरा जो एक साज सजा होती है अपनी धाड़ी की, उस साज सजा करने के पश्चात जो है नैनी देवी ऊपर बैठाना था। तो काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ना उन्हें काफ़ी नॉलेज मिला होगा आपकी बातें सुन के कि माँ नैनी देवी भी जो चिरकुन भटियाणा साइड ही पड़ता है ना। ये बिल्कुल भटियाणा चिरकुन साइड पड़ता है, और तो भटियाणा भूलपाने तीन गाँव की ये देवी है। और इसका भव्य कार्यक्रम जो है 6 महीने तक जो है बड़ा आनंदमय रहेगा, और बहुत जो इस प्रकार के जैसा आज आपको लग रहा है इस प्रकार का कोथ ही है यहाँ पर निरंतर होता रहेगा, और इससे भी ज़्यादा निरंतर जो है आगे जो है। धन्यवाद भैया। आप कहते दूर आजा बड़ी? अच्छा आज हम बहुत दूर साथ हम। अच्छा वक बेटी देवता दर्शन कौन तुमको? हम नंदा नगर घाट बोड़ी। अच्छा। घाट बेटी मेरे पीछे आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर, और वहाँ पे पहुंची हुई है माँ नौना देवी। तो मुझसे ज्यादा नॉलेज ना थोड़ा गल्लू को है, क्योंकि ये अभी तक बुजुर्गों के साथ बैठा था। तो गल्लू भाई थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए कि जो मंदिर और जो माता के दर्शन आपने करे। जो ये नौना देवी है ये 38 साल बाद नौना देवी जी की पूजा कर रहे हैं लोग। और जो ये नौना देवी हैं ये 9 बहनें हैं, बट ये 7 ही बहनें बाहर घूमती है, और अभी 2 बहनें अंदर ही रहती है। तो अभी तो ये 5 महीने बाहर घूमेगी और 1 महीने यहीं पे पूजा अर्पण होगी इनकी। अभी सब लोग आज कल से ये कौतिक शुरू हो चुका है। ये अभी अपने ससुराल से मायके में आई है सुबह 4 बजे, और बाकी जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। जैसे ही कोई बताएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे आगे। चलो फिर आगे। 10 का 1 10 का 1 भैया 20 रुपया है, 20 का दे दीजिए दो। हम नहीं दे रहे, हमारे दुकान तो फ्रेंड है। भैया 20 रुपये का दे दीजिए दो, या आटा दिला देंगे चावल दिला देंगे भैया। भैया दे दो भैया। अरे चैन यार, अरे बचपन में टीनी खाई यार, बचपन में खाया करते थे हम ये गुड़िया की। यो अजर 10 का 20 का दो होगा ना भैया? तो खाना था ना, जो ऊपर मेला हो रहा है ना वहाँ लेके चलते हैं आपको थोड़ा कि कितनी भीड़ वहाँ है और किस तरीके का मेला इस कोठली गांव सॉरी भटियाणा गांव में होता है। तो देखिए पब्लिक और भीड़। फूल ले लो फूल। तो रेडियो होते हैं सामान भाई, हल्का हल्का बूंदा बांधी हुए भाई, तो बैग पैक करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके का सीन बनता है जाने का, अगर बारिश होगी तो कैसे जाएंगे, फिलहाल रुकना पड़ेगा ना, फिर भी देख लेंगे। चलो पैक करते हैं फटाक से। तो दोस्तों बाइक रोड पे लग चुकी है और अच्छा। तो दोस्तों अब चलते हैं कोठली गांव को अलविदा करके अब अपने एरिया नंदनगर घाट की ओर। ठंड यार बहुत ज़्यादा, और मौसम तो किस तरीके से बदल रखा है आप देख ही पा रहे हैं। क्राउड तो अभी आ रही है भाई मेला देखने। शीशा ले लो, हर चीज़ की दुकान यहाँ उपलब्ध है भाई।
तो दोस्तों ये भटियाणा गांव का फेमस धारा, जहाँ की तीन धारा है। चलो वापस, बारिश भी लग चुकी है, भयंकर बारिश शुरू हो चुकी है और ठंड भी इतनी बढ़ चुकी है ना कि क्या बताएं यार, जैकेट से तो कुछ बस भी नहीं रहा है। और देखते हैं अगर कहीं पे अगर प्रतीक्षालय इत्यादि मिल जाए जहाँ पे थोड़ा रुक जाएं तो वो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सौंडरा पेट्रोल पंप के वहां पे और इतनी भयंकर बारिश ना, पूरा कपड़ा आप देख सकते हैं, तो इसकी तो हालत देख सकते हैं, पूरा भीग गया है ऊपर से नीचे। और यहां पे एक भाई रहता है हमारा, बंगाली से ही है, तो उसको फ़ोन करा था हमने कि हमारे लिए लंच बना के रखना क्योंकि भूख से ना थोड़ा हालत ख़राब हो गई है। तो अभी जाते हैं हम आदर्श पौधशाला सौंडला में। ओहो ठंडा हालत ख़राब हो गई भाई लोगों, भाई पैर ना इतना जाम हो गया कि चल भी नहीं पा रहा मैं। वो चिल्ला रहा है वहाँ से जिसके रूम पे हम जा रहे हैं, ओह माय गॉड बेटा पैर चला ही नहीं जा रहा, काफ़ी भयंकर बारिश। तो देख सकते हैं कितने प्रकार के पौधे हैं यहाँ पे। भाई साहब दोस्तों हम पहुंच चुके रूम में और कपड़े बदल लिए, नहीं तो ना ठंड से इतनी भयंकर हालत ख़राब हो गई थी ना, बता नहीं सकता आपको। और ठंड से हाथ कांप रहा है। और ये नर्सरी देख सकते हैं, काफ़ी मस्त लग रहा है, हरा भरा, क्योंकि बारिश से ना जो मतलब थोड़ा सफ़ेद बन जाता है तो फिर वो हरे भरे में छा जाता है। तो फिलहाल थोड़ा लंच करते हैं। तो लक्ष्मण भाई क्या बनाया? मैंने बनाया आपको बताता हूं। कैसे कम बन रही भाई हाथ? भाई इन्होंने मेरे को बोला एक बजे क्या यहाँ। तो दोस्तों मस्ती आग जलाई हुई है क्योंकि बाहर ना बहुत भयंकर बारिश लग रही है, तो ठंड को दूर करने के लिए आग की जरूरत है। यहाँ पे भात लच्छ भाई की तरफ से, तो घी भी डाल दे भाई। अरे ये देसी गाय का है या घर की? भाई साहब सुपताल के खोर का है ये घी। आज तो पैसे भी गीले हो गए। हाँ साथ में आग और भात। तो दोस्तों चलो अब हम खाना खाते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना। इसी तरह अगर आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे तब हम नए नए टूर आपको दिखाते रहेंगे। तो चलो फिर टेक केयर, बाय, गुड नाइट।